दोस्तों, ये है साउंड स्टैंडर्ड कंपनी का CA20 एम्पलीफायर। आप देख सकते हो या वीडियो देख रहे हो नवनीत डीजे रिपेयरिंग पे। दोस्तों, बहुत कम टाइम होता है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हमें कोई लाइक सब्सक्राइब इन चीज़ों का कोई लालच नहीं है। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्यथा कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है, मत करना। SMD के अंदर बहुत से लोग फ़ोन करते हैं कि सर, इन एम्पलीफायरों में हम फंस जाते हैं। अगर आप एम्पलीफायरों के बारे में, रिपेयरिंग के बारे में कुछ आइडिया रखते हो और करते हो आप, तो दोस्तों आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं इन एम्पलीफायरों के प्रति प्रशिक्षण भी देता हूँ। आप निस्संदेह हमारे यहाँ सेंटर पे आके इसके बारे में आप ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी ले सकते हो। दोस्तों, जितने भी कंपोनेंट इसके अंदर लगे हैं ना, एक एक चीज़ के बारे में पूरे डिटेल के साथ में बताया जाता है। कहीं पर भी चाहिए ट्रांजिस्टर क्यों लगे, IC क्यों लगी है, ये अगर आप 6, 41, 48 सिग्नल डायोड लगे हैं तो इनके बारे में, प्रीसेट का क्या काम है, LED क्यों लगी है, यहाँ पे अगर SMD ट्रांजिस्टर लगे तो क्यों, इतने सारे रेजिस्टेंस लगे हैं तो क्यों, क्या काम है इनका, टोटल सारी इतनी बारीकी के अंदर शायद ही आपको इंडिया में कहीं पर कोई बताने वाला नहीं है। और दूसरा, एम्पलीफायर का सिद्धांत क्या है, एक एक ट्रांजिस्टर का सिद्धांत क्या है, कैसे काम करता है, ये कपलर है तो इसका क्या सिद्धांत है, और अगर ये यहाँ पे कितने भी कैपेसिटर लगे, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट लगा है, चाहे वो नॉन पोलर लगा है, तो इसका क्या सिद्धांत है, कैसे वर्क करता है, एक एक चीज़ के बारे में पूरी गहराई के साथ में पूरा थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, इतना शायद ही कोई आपको बता पाएगा। अगर आप इस लाइन के अंदर कार्य कर रहे हो और आगे अगर आप अपडेट होना चाहते हो, तो दोस्तों इससे अच्छा शायद ही कहीं आपको मौका मिले। बस मेरी वीडियो के अंदर मैं फॉल्ट से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं बताता, मैंने पहले भी बताया, सिर्फ इस कारण से कि ये धंधा जो है मिट्टी ना हो, इसलिए मैं किसी और का काम नहीं ख़राब करना चाहता। जिसने सीखना है वो मेरे यहाँ आके सीख सकता है, मैं सिखाने के पैसे लेता हूँ, रहने की व्यवस्था भी देता हूँ, और जो मैं आपको सिखाऊंगा ना दोस्तों, वो आपको बिल्कुल परफेक्ट सिखाऊंगा, आप जहाँ मर्जी भी। और अगर ये कार्ड भी अगर आप देख रहे हो ना, ये PWM कार्ड होता है ये भी, तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे LM300 अगर IC लगी है, तो IC के किस पॉइंट के ऊपर इनपुट है, किसके ऊपर आउटपुट है, किसके ऊपर फीडबैक आती है, ट्रांजिस्टर के यहाँ पे क्या काम है, ठीक है, जीनर डायोड लगे हैं तो यहाँ पे इनका क्या कार्य है, एक एक चीज़ के बारे में, कौन सी पिन के ऊपर कहाँ से रेफरेंस वोल्टेज आते हैं, कहाँ पे इनके ऊपर सेंस करने के बाद में आगे हमारा जो क्लास H है उसके लिए ड्राइवर सेक्शन बनता है, तो अगर इधर भी अगर आप देखोगे तो क्यों ये कौन सी रेजिस्टेंस किस पर्पज के लिए लगी हुई है, और रेजिस्टेंस को नीचे आपको यहाँ पे जीनर डायोड भी लगे, उनका क्या काम है, एक एक चीज़ के बारे में अगर आप डिटेल से जानकारी लेना चाहोगे तो प्रॉपर मिलेगी। और इनपुट सेक्शन के अंदर, इसके अंदर 6 ICs लगी है, एक एक IC किस IC का क्या काम है, प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर नॉलेज, एकदम परफेक्ट तरीके से। इतने सारे 8 कैपेसिटर लगे हैं, तो इन 8 कैपेसिटर किस तरह से इनके कनेक्शन हुए, क्यों ज़रूरी है 8 कैपेसिटर लगाना, किस तरीके से इसके अंदर हमारी 3 स्टेप की जो पावर सप्लाई है वो बनती है, तो दोस्तों सारी टोटल आपको एक एक चीज़ के बारे में जानकारी। अगर यहाँ पे जैक लगे हैं तो इन जैकों के अंदर अगर 5 पिन है तो एक एक पिन कहाँ कनेक्टेड है, किस पिन का क्या यहाँ पे पर्पज है, किधर जाके जुड़ेगी, यहाँ के ऊपर अगर 7 पिन है तो कौन सी पिन कहाँ जुड़ती है, किस पिन का किसके साथ में कॉन्टेक्ट है, ये जैक है क्यों लगा है, क्या काम है, क्या पर्पज है, यहाँ पे अगर 4 पिन है कौन सी पिन कहाँ जुड़ेगी, किस पर्पज के लिए, क्या किस समय इसमें से इनपुट ले रही है, आउटपुट ले रही है, क्या कार्य, पूरी प्रॉपर जानकारी के लिए, ठीक है ना दोस्तों। अगर इधर अगर आप चेक करोगे तो MOSFET लगे हुए है ना, किस MOSFET का क्या काम है, डायोड क्यों लगे हुए हैं, है ना, और ट्रांजिस्टर दोस्तों आउटपुट के अंदर लगे रहते हैं, कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा कॉपी है, कौन सा फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है, थर्ड कॉपी है, कौन सा हमारा हाई गेन का है, कौन सा लो गेन का है, और
किन ट्रांजिस्टरों की हमारी HFE मैच करती है, किन की नहीं करती, किस ट्रांजिस्टर के साथ में कौन सा हम ट्रांजिस्टर बैठा सकते हैं, कौन सा नहीं बैठा सकते, टोटल सारी की सारी। अगर यहाँ पे अगर आप देखो थर्मोस्टेट लगा तो क्यों लगा हुआ है, इधर की साइड में अगर आप देखोगे तो जो हमारा PTC वगैरह लगा क्यों लगा है, एक एक चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहोगे। प्लस उसके बाद में अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना चाहते हो, जितने भी इसके पीछे बैंड्स लगे हुए हैं, किस बैंड्स का किस समय क्या काम है, और एम्पलीफायर अगर हमारा 2 ओम पे, 4 ओम पे, 8 ओम पे, किस वोल्टेज के ऊपर, और कितना हमारा जो आउटपुट वोल्टेज 8 ओम पे कितना वोल्टेज बनेगा, 4 ओम पे कितना, 2 ओम पे कितना स्टेबल है नहीं है, किस तरह से अगर हमारा यहाँ पे अगर आप देखोगे NTC लगी है, क्यों लगी है, क्या काम है, रिले लगी है, क्वाइल लगी हुई है, तो किस चीज़ का किधर कनेक्शन है, एकदम अगर CA20 के बारे में प्रॉपर जानकारी लेना चाहते हो तो दोस्तों बेझिझक होके आप आ सकते हो। किसी तरह का कोई धोखा, कोई ठगी, कोई कुछ नहीं है, लेकिन बस आप अपनी ईमानदारी के साथ में अपने बारे में बता के, अपनी योग्यता, अपना अनुभव बता के आप ये मेरी जो क्लासेज है वो ज्वाइन कर सकते हो। और इस तरह से पूरा बोर्ड के बारे में जानकारी, अगर आप कल को एम्पलीफायर रिपेयर करते हो, इधर से प्रशिक्षण लेने के बाद में किस तरीके से आप वाटेज चेक कर सकते हो, किस तरीके से हमारे द्वारा बनाया गया बोर्ड आप भी वहाँ जाने के बाद बना सकते हो, अगर आप फंक्शन जनरेटर, DSO वगैरह कहाँ से लेना है आपने, ये सब चीज़ें मैं खुद यहाँ पे प्रोवाइड करवा के देता हूँ, बस जिसने लेना होता है चार्ज जो है वो उसी का लगता है, और किस तरीके से हमने DSO का ऑपरेटिंग करनी है, किस तरीके से हमने फंक्शन जनरेटर इसके ऑपरेटिंग करनी है, किस तरीके से हमने कनेक्शन करने हैं हमारे लोड रेजिस्टेंस वगैरह के, टोटल जानकारी सिर्फ मैं यूट्यूब पे नहीं दे सकता, क्योंकि हमें किसी तरह का कोई भी लालच नहीं है, ना हमें सब्सक्राइब की आवश्यकता है, सिर्फ आपके प्रेम प्यार की आवश्यकता है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मतलब वाला बेमतलब के कमेंट हम नहीं पढ़ते, ना ही मैं किसी के कमेंट का जवाब देता हूँ, क्योंकि इतना हमें टाइम ही नहीं होता। जो भाई ईमानदारी से काम करते और करना चाहते हैं और जिनको नॉलेज है वो बेझिझक यहाँ प्रेम प्यार से आ सकते हैं, उनके कमेंट का हम जवाब भी दे देते हैं। बाकी दोस्तों जो अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंटली बंदे हैं वो हमारी वीडियो मत देखा करें, जो अपने आप में बहुत ज्ञानी ध्यानी लोग हैं उनके लिए वीडियो नहीं, हमारी जो ओवर कॉन्फिडेंटली लोग हैं उनके लिए नहीं है, जो सही ढंग से अच्छे ढंग से अच्छा प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वो बेझिझक हमसे जुड़ सकते हैं और लाइफ टाइम तक हम सपोर्ट करने वाले हैं। बस फ़ोन के ऊपर हम ज़्यादा कोई जानकारी नहीं देते, ना कोई रिपेयरिंग से रिलेटेड, ना हमारे चैनल के संबंधित, जो आदमी सीख के चला गया उसके लिए जी जान हाजिर है, और एक बार हाथ पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। इससे ज़्यादा और मैं मेरे बारे में या मेरे सेंटर के बारे में नहीं कहूँगा, बाकी जब आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन बस एक बात लास्ट में मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो भाई आना चाहता है, अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप टेक्नीशियन हो, चाहे TV के ब्लैक एंड वाइट आपने किया है, चाहे कलर TV किया है, चाहे आप LED LCD इन्वर्टर वगैरह कुछ भी करते हो, इलेक्ट्रॉनिक के टेक्नीशियन हो, तो आप हमारे सेंटर में आ सकते हो। अगर आप DJ चलाने वाले हो, DJ ऑपरेटर हो, DJ के मालिक हो, और इलेक्ट्रॉनिक के बारे में आपको कोई भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और अगर आपके मन में ये हो जाए कि चलो यार झूठ बोल के चले जाते हैं, वो कौन सा जानते हैं, हम यहाँ आने के बाद में दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरव्यू भी लेते हैं, काम करवा के भी देखते हैं, अगर आप सक्सेस हो पाए तो ही आपको रखेंगे, अन्यथा हम यहीं से वापस भी भेज सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप हमेशा अपने बारे में प्रॉपर बता के पूरी जानकारी लेके उसके बाद में, क्योंकि दो दो तीन तीन महीने पहले बुकिंग होती है इधर आने के लिए, उसके बाद में नंबर लगता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आपकी सेवा के लिए, हमेशा हाजिर नवनीत DJ रिपेयरिंग, राजस्थान श्री गंगानगर बींजवाला, धन्यवाद।